पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो की तरफ से कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, जय हिंद। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ इस बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देख सके। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल के एक और नए फेस केयर वीडियो पे। तो जैसे कि आपको पता हो कि मैं फेस केयर वीडियो आपके बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पिछले पहले जो वीडियो मैं बनाता था वहाँ पे मेरे पास सेटअप नहीं था, जिस कारण मैं सिर्फ कमेंट्री करके आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता था। अब दोस्तों मेरे पे सेटअप है, पीछे आप दिख रहा होगा वो रहा ग्रीन स्क्रीन। अभी भी मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी पूरे अच्छे तरीके से वहाँ पे बना के तब जो है वहाँ पे मैं बताऊँ अच्छे तरीके से। तो आज की वीडियो की बात करें तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो गेम प्ले वीडियोज होती है वो आप किस तरीके से यूज कर सकते हो बिना कॉपीराइट स्ट्राइक के। तो कई बार जैसे कि आपको पता होगा कि लोग डरते हैं कि अगर हम यूज करेंगे तो हमारे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा गेम प्ले यूज करेंगे, तो कैसे मेथड है कि हम यूज कर सकते हैं। और मेरे से कई लोगों ने पूछा था कि आप किस तरीके से गेम प्ले वीडियो को बिना कॉपीराइट स्ट्राइक के यूज करते हैं, तो आज की इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बिना स्किप करें। इसमें जो आपको कुछ मेथड बताऊंगा अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो इजिली से आप गेम प्ले वीडियो को भी अपने चैनल पर यूज कर सकते हैं, और काफी अच्छे खासे उससे भी अपने चैनल को ग्रोथ कर सकते हैं, व्यूज पा सकते हैं, और इजिली से उसको भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपसे अब ज्यादा नहीं टाइम लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ, वो पूरे मेथड आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप जो है गेम प्ले वीडियो को यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम हुआ है शुरू करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैं दो कंडीशन को लेकर चलूंगा, अगर आपके पास पीसी है, अगर आपके पीसी में गेम है एक उसको लेकर, और अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है फिर भी आप GTA 5 को यूज करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये दोनों कंडीशन लेके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर आपके पास पीसी है और उसमें आप गेम है तो उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कई बार एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप GTA 5 है उसको अगर अपने यूज करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से यूज कर पाएंगे। देखिए अगर आप अपने GTA 5 जो ओनर है जिसने GTA 5 डेवलप किया, अगर उसे आप लाइसेंस लेते हैं अपने चैनल के लिए कि हमें आपकी वीडियो आपके जो गेम है उसको मैं गेम प्ले करके यूज कर रहा हूं, तो आप यूज करने दीजिए। अगर वो लाइसेंस देता तो बिना डरे आप यूज कर सकते, उसमें कोई आपको स्ट्राइक की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक भी देगा तो बस वो ऑनर ही देगा जो उस गेम का जो ऑनर है। तो देखिए हमारे से कई बार होता है अगर हम छोटे यूट्यूबर है तो हमारा जो कॉन्टेक्ट पता है वो गेम प्ले ऑनर से कैसे हो सकता है, इतना बड़ा GTA 5 का ऑनर है उसे हम कैसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। लेकिन कई बार होता है जो छोटे जो यूट्यूबर होते हैं वो छोटे मोटे गेम के ऑनर से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, लाइसेंस लेके यूज कर पाते हैं, और अगर 22,000 पे लाइसेंस नहीं होता तो वो आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कई बार होता है अगर आप गेम प्ले यूज करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्रेडिट देना होता है। कई बार अगर आपने जैसे कि मान लीजिए GTA 5 का हमने गेम प्ले किया, रिकॉर्ड किया अपने स्क्रीन पे, और उसको आपको यूज करके नीचे आपको अपलोड कर दीजिए, और बस डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखिए कि कॉपीराइट का आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, सबसे नीचे जब डिस्क्रिप्शन खत्म होता है वहां पे आपको डिस्क्लेमर दे देना है कि अंडर सेक्शन के तहत हमने इसको यूज किया है तो आप कॉपीराइट स्ट्राइक ना दीजिए। एक आपको डिस्क्लेमर यूज करना है, और एक क्रेडिट कैसे आप दे सकते हैं। जैसे कि देखिए कोई भी जो ऑनर नहीं चाहेगा कि हमारी जो गेम है वो पॉपुलर ना हो, तो GTA 5 का ऑनर क्यों आपको स्ट्राइक देगा, वो खुद चाहेगा कि मेरा जो गेम प्ले भाई लोगों तक पहुंचे, सबको पता चले ये गेम है जो GTA 5 है, तो वो कभी आपको स्ट्राइक नहीं देगा। तो सिंपल आपको करना है वो गेम प्ले उठाइए और वहां पर क्रेडिट में उस गेम का नाम लिख दीजिए, और बस वही उसके बाद से आपको डिस्क्लेमर देके यूज कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई स्ट्राइक दिक्कत ही नहीं है, स्ट्राइक आने की कोई चांस ही नहीं होते हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर पाएंगे। और अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पीसी में गेम नहीं है, आप सिर्फ मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हैं तो आप किस तरीके से यूज कर पाएंगे गेम प्ले वीडियोस को, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके लिए भी कुछ जो मेथड होता है वो फॉलो करके अगर आप यूज करते हैं तो यूज कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो मान लीजिए जैसे कि अगर GTA 5 को यूज करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे दोस्तों GTA 5 की हजारों वीडियोस हैं, उनको आप फ्री में यूज कर पाएंगे बिना स्ट्राइक के, तो ये किस तरीके से करेंगे वो बताता हूँ। देखिए आपको सिंपल सर्च करना है यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिखना है GTA 5 फ्री गेम प्ले, और सर्च करके आपको जो है साइड में सेटिंग्स का ऑप्शन होता है वहां जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है क्रेडिट कूपन्स का ऑप्शन होता है, वहां पे आप जब ओके करेंगे तो वहां पे वो जो GTA 5 की जो लिस्ट खुल जाएगी, ये जैसे लिस्ट खुली पड़ी है यहाँ पे आपको फ्री में सब यूज कर पाएंगे, क्योंकि जो जिन्होंने ये वीडियो अपलोड किया होगा वो जो ऑनर है वो आपको जो है फ्री में यूज करने का ऑप्शन देगा कि आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लाइसेंस प्रोवाइड होगा। जब क्रिएटिव कॉमन करेंगे तो उन वीडियो का यूज भी कर पाएंगे, मोनेटाइजेशन भी आप चला पाएंगे वीडियो पे, लेकिन उसमें कुछ सिचुएशन होती है, कुछ क्रेडिट वगैरह भी
जिसमें भी होता है देना पड़ता है, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी बात वही है, आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, और जब आप वीडियो को यूज करें इस गेम प्ले को तो उसको क्रेडिट देके, आपको क्रेडिट देके उस गेम प्ले जो गेम प्ले का जो लिंक है उस वीडियो को उसको जाके आपको डाल देना है, और डिस्क्लेमर सेम इसमें भी आपको यूज करना है। और लेकिन एक और बात दोस्तों, आपको पूरे वीडियो में कभी भी, जैसे कि अगर गेम प्ले अपलोड करते हो तो कभी भी आपको ये नहीं करना है कि उस गेम प्ले की वॉइस हो, आपको स्टेप बाय स्टेप कमेंट्री करना है। यहाँ पे जैसे कि आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, या यूट्यूब का जो गाइडलाइंस भी है वो भी कहता है कि आप यूज कर सकते हैं, आप लाइसेंस लीजिए, और वीडियो में आप ऑडियो नहीं यूज कर सकते गेम प्ले का, आप स्टेप बाय स्टेप कमेंट्री करते हैं तो आप इजिली से उसको यूज भी कर पाएंगे, मोनेटाइजेशन भी करा पाएंगे और वहां से कुछ पैसे भी जनरेट कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप डिस्क्लेमर देके और क्रेडिट देके आपको स्टेप बाय स्टेप कमेंट्री करते हैं तो आप इजिली से बिना कॉपीराइट स्ट्राइक के इजिली से यूज कर पाएंगे। तो ये दोनों ही मेथड आप अगर इस्तेमाल करते हैं, अगर आपका पीसी है और पीसी नहीं है फिर भी इन दोनों मेथड को इस्तेमाल करके यूज करते हैं तो बिना डरे आप जो है गेम प्ले को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों यही दोनों तरीके हैं गेम प्ले यूज करने का, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट डे जय हिंद वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट डे जय हिंद वंदे मातरम।